नमस्कार मेरे मीन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। बात करते हैं दिसंबर के महीने में नवग्रहों के गोचर का, मीन राशि और मीन लगन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों गोचर वर्ष दिसंबर के महीने में बुध, शुक्र, सूर्य और मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे। बुध देव दिसंबर के महीने में तीन राशियों में भ्रमण करेंगे। शुरुआत करते हैं दिसंबर में सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह बुध से। 5 दिसंबर तक बुध मीन राशि के अष्टम भाव में धन और भाग्य भाव के स्वामी मंगल के साथ युति में गोचर करेंगे। वाणी भाव और वाणी कारक बुध के ऊपर अग्नि कारक मंगल का प्रभाव आपके क्रोध और वाणी की कठोरता में वृद्धि करेगा, इसलिए आप किसी को अपशब्द या कोई कटु वचन ना बोलें, नहीं तो परेशानी पड़ सकती है। पत्नी के साथ भी कुछ मतभेद उभर सकते हैं, पत्नी के साथ तालमेल बनाकर रखें। 5 दिसंबर को बुध राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में ग्रहों के राजा सूर्यदेव के साथ युति में गोचर करेंगे। भाग्य भाव में सूर्य बुध की युति से बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, जो आपके मान सम्मान, धन और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेगा। भाग्य भाव में बन रही यह युति भाग्य को मजबूती प्रदान करेगी, जिसके फलस्वरूप भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। पत्नी और भागीदार के द्वारा भी भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे। व्यापार कारक बुध की यह गोचरीय स्थिति व्यापार में सफलता और विस्तार के योग बनाएगी। व्यापारिक लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। भूमि, मकान, जमीन, जायदाद संबंधी कोई क्रय विक्रय करना है तो उसे कुछ दिनों के लिए टाल दें। 16 दिसंबर के बाद ही कोई क्रय विक्रय करें तो शुभ है, क्योंकि सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी भी हैं। छठे भाव लड़ाई, झगड़ा, कोर्ट कचहरी से संबंधित होता है, इसलिए चतुर्थ भाव के स्वामी बुध के साथ सूर्य की युति लड़ाई, झगड़े और कोर्ट कचहरी से कुछ परेशानी भी दे सकती है। सावधानी बरतें। बुध के बाद राशि परिवर्तन करेंगे शुक्र देव। 15 दिसंबर तक शुक्र मीन राशि के दसम भाव में बृहस्पति, शनि और केतु के साथ युति में गोचर करेंगे। वाहन कारक शुक्र की दसम भाव में गोचरीय स्थिति वाहन सुख के योग बनाएगी। राशि स्वामी बृहस्पति देव की शुक्र के साथ युति जोश, ऊर्जा और उत्साह में वृद्धि करेगी। कार्य व्यवसाय के लिए भी शुक्र की दशमत स्थिति शुभ फल देने वाली रहेगी। स्त्री संबंधित वस्तुओं का व्यापार करने वालों को अश्चित सफलता प्राप्त होगी। शनि की स्थिति से कार्य व्यवसाय का विस्तार विदेश तक संभव है। मीन राशि के लिए शुक्रदेव तृतीय भाव के स्वामी भी होते हैं। तृतीय भाव के स्वामी के रूप में शुक्र की दसम भाव में गोचरीय स्थिति लेखन, कम्युनिकेशन, ब्लॉग, यूट्यूब वगैरह से धन लाभ करवाने वाली रहेगी। इन चीज़ों से संबंधित कार्य करने वालों के लिए यह एक महत्वपूर्ण गोचरीय स्थिति है। 15 दिसंबर को शुक्र देव राशि परिवर्तन कर दसम भाव से प्रस्थान कर एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और अगले ही दिन 16 दिसंबर को ग्रहों के राजा सूर्यदेव नवम भाव से प्रस्थान कर दसम भाव में प्रवेश करेंगे। पहले बात करते हैं शुक्र देव की। शुक्र की एकादश भाव में गोचरीय स्थिति शुभ फल देने वाली होती है। एकादश भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। भोग विलास और लग्जरी लाइफ के कारक शुक्र की लाभ भाव में गोचरीय स्थिति स्त्री सुख में वृद्धि करेगी और भिन्न भिन्न प्रकार से लाभ करवाने वाली रहेगी। स्त्री जातकों के साथ मित्रता में वृद्धि होगी। इष्ट मित्रों के द्वारा भी पूर्ण सुख सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों के साथ मधुर संबंध बनेंगे। लाभ भाव में स्थित शुक्र के ऊपर शुक्र राशिस्थ मंगल की दृष्टि भोग विलासी प्रवृत्ति के साथ विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण में वृद्धि करेगी। वैवाहिक जीवन के प्रति निष्ठावान रहें। पंचम भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि प्रेम संबंध में लगाव और मजबूती प्रदान करेगी। क्रिएटिविटी में भी निखार देखने को मिलेगा और गीत संगीत में रुचि वृद्धि होगी। बात करें सूर्यदेव की तो सूर्यदेव दसम भाव में गोचर करेंगे। दसम भाव कुंडली का सबसे शक्तिशाली भाव होता है। इस भाव में सूर्यदेव का बल कई गुना बढ़ जाता है। दसम भाव में सूर्यदेव के साथ युति में राशि स्वामी बृहस्पति, लाभ भाव के स्वामी शनि और केतु भी गोचर करेंगे। इनके प्रभाव से दसम भाव की मजबूती में और वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान और प्रभाव वृद्धि होगी। कार्य व्यवसाय में पदोन्नति और विस्तार के योग बनेंगे। सरकारी उच्च अधिकारियों और राजनीति से संबंधित लोगों के साथ मित्रता और मेलजोल में वृद्धि होगी। मीन राशि वाले वह दोस्त जो राजनीति से संबंधित हैं उन्हें महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है।
सूर्यदेव के बाद राशि परिवर्तन करेंगे मंगल और बुध। 25 दिसंबर तक मंगल मीन राशि के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। मंगल के अष्टम भाव में गोचर से वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, दुर्घटना और चोट का खतरा हो सकता है। खासकर 25 दिसंबर तक पेट के नीचे वाले हिस्से से सावधानी बरतें। 25 दिसंबर को मंगल राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव से प्रस्थान कर नवम भाव और अपनी ही राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे और बुध नवम भाव से प्रस्थान कर दसम भाव में प्रवेश करेंगे। पहले बात करते हैं मंगल देव की। भाग्य भाव में स्वयं राशिस्थ मंगल साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। भाग्य के सहयोग से रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। विदेश संबंधित कुछ व्यय के योग बनेंगे। आय और व्यय दोनों में वृद्धि होगी। छोटी बड़ी यात्राओं के योग बनेंगे। बात करें बुध की तो दसम भाव में बुध के प्रवेश से पांच ग्रहों की गोचरी स्थिति दसम भाव में बनेगी, जो आपको कर्म प्रधान बनाएगी। दसम भाव में जितने ज़्यादा ग्रह गोचर करते हैं कर्म भाव उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। दसम भाव में बन रहे भिन्न भिन्न प्रकार के योग शुभ फल देने वाले रहेंगे। सरकार के विरुद्ध खड़े होने से भी नहीं झिझकोगे और कर्म भाव की मजबूत स्थिति के साथ जनवरी 2020 में प्रवेश करोगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।